नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गीता मिश्रा उत्तराखंडी पहाड़ी ब्लॉग पर। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। सुबह के 10:30 बज चुके हैं और मैंने अपने सुबह का पूरा काम करके अब मैं तैयार हूँ देवाल जाने के लिए, क्योंकि देवाल में आज हमारा जो हमारे वीडियो सर हैं उनकी विदाई होने वाली है। इसलिए हम सभी महिलाओं को, जो सक्रिय महिलाएँ CRP सीनियर CRP जो भी लोग हैं, सबको वहाँ पर बुलाया गया है। इसलिए मैं भी तैयार हुई हूँ जल्दी जल्दी में, क्योंकि वहाँ पर जाना है हमें सबको। और मैं दिखाती हूँ आपको वहाँ पर जब वीडियो सर की विदाई समारोह का कार्यक्रम। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। ये है दीपा, देखो ये सब हम इनको भी दिखाओ। वीडियो सर की विदाई में ये तुलसी दिख रही है, ये देखो आज हो रही है वीडियो सर की विदाई में आए हैं हम सब लोग। ये हमारे दीदी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, शेयर करें। ब्लॉक में हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पर सभी महिलाएं आ गई हैं। ये देखिए यहाँ पर सभी महिलाएं जमा हो चुकी हैं। हम कोई CRP है, कोई सीनियर CRP है, कोई सक्रिय महिला है। सभी लोग आप अपना अपना नाम बताइए, आप कहाँ से आई हो? मेरा नाम दीपल से। हाँ हाँ बोलो। मैं थलोर से हूँ। अच्छा, आप क्या है? सीनियर से हैं। अच्छा, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मीता देवी है। आप सक्रिय महिला हैं? मैं सक्रिय महिला हूँ। अच्छा अच्छा, और आप बताइए, आप तो आपको तो सभी जानते हैं। मेरा नाम है दीपा, मैं ग्राम देवसारी की रहने वाली हूँ। मैं बेस्ट ब्लॉगर हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, दीपा WK11। और मैं बैंक सक्रिय हूँ यहाँ पे। और ठीक है, आप बताइए अपना। अच्छा अच्छा, अब आप बताइए। मेरा नाम जमनोती देवी है और मेरा गांव चौड़ है, और मैं बैंक सखी भी हूँ और सखी में। मेरे बारे में बोलना जरा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सीनियर दीदी हमारी गीता दीदी, और इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। मेरा नाम पूना से हूँ। आप ग्राम संगठन के अध्यक्ष भी हैं और संकुल स्त्री संगठन के अध्यक्ष भी हैं। अच्छा, आप बताइए। अच्छा, आप अच्छा अच्छा, आप बताइए। मेरा नाम सावित्री देवी है, ग्राम मोहपत्ता से हूँ, सक्रिय महिला हूँ। मेरा नाम मेरा नाम सर। नमस्कार, अब आ चुके हैं सभी लोग। आज के इस विदाई समारोह में उपस्थित इस विकासखंड के प्रथम नागरिक, प्रथम व्यक्ति डॉक्टर कृष्ण लालू जी, और हम सबके बीच से इस विकासखंड से विकासखंड गैरसैंण की तरफ विदाई लेने के लिए उपस्थित हुए हैं हमारे खंड विकास अधिकारी महोदय। आज के इस विदाई समारोह में हम सबके बीच में उपस्थित हमारे शर्मा जी, और जो आज से इस विकासखंड में खंड विकास अधिकारी के रूप में कार्यभार देखेंगे, हमारे नेगी जी, हमारे मिस्टर जी, नलदुरा के बहुत ही सम्मानित प्रधान दिलमणि जोशी जी, रेडियो कोऑपरेटिव और बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व हमारे कुनियाल जी, बहुत अच्छा संचालन कर रहे रमेश गिरिया जी, आज रेडियो पंचायत के रूप में और पंचायत अधिकारी, क्योंकि बहुत जल्दी आप रेडियो पंचायत ही बनने वाले हैं जुलाई तक, तो ऐसे हमारे गुसाई जी, हमारे तारिक मियाँ जी, मियामम जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। निश्चित तौर पर एक भावुक क्षण है हम सबके लिए,
और जब यहाँ से पमार जी का ट्रांसफर हुआ था, सॉरी हमारे पन्नालाल जी का ट्रांसफर हुआ था, तो सीडीओ साहब को व्यक्तिगत रिक्वेस्ट की थी मैंने कि मैंने कहा हमारे विकास कर्मा शर्मा जी को भी, और सीडीओ साहब ने वो आग्रह हमारा स्वीकार किया। मेरी पहले आपसे बात भी, मैंने कहा मैं ऐसा ऐसा चाह रहा हूँ अपने विकास खंड में, आपको एज ए खंड विकास अधिकारी के रूप में, मैंने कहा आप सहमत हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं सहमत हूँ। और इन एक सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है, यहाँ पर आई हुई हमारी बहनों ने हम सब देख रहे होंगे कि हम सुबह से यहाँ पर बैठे हुए हैं सर के स्वागत विदाई के लिए। और जैसे ही सर ने कहा कि 2 बजे का टाइम रखा है तो हम फिर रुक गए यहाँ पर। आज सभी लोग जानते हैं कि आज जैसे डीजे सर की विदाई का है, तो हमें कल ही हमें भी पता चला कि सर की विदाई हो रही है। हमें भी सुन के बहुत दुख हुआ, क्योंकि जब से सर यहाँ पर आए हुए हैं हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। सर ने जैसे सर मास्टर ट्रेनर रह चुके हैं NRNM में, हमें बहुत सारी बातें बताई हैं सर ने, इतने कम दिनों में बहुत कुछ सिखाया है। कहते हैं कि परिवार का मुखिया अच्छा हो तो परिवार बहुत अच्छा चलता है, इसी तरह सर हमारे विकास खंड के बहुत ही अच्छे मुखिया के रूप में सर ने यहाँ काम किया है, और हमें बहुत अच्छी बातें सिखाई हैं NRNM के बारे में, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है हर चीज़ की जानकारियाँ दी हैं। जो बातें हमने यहाँ से रुद्रपुर जाके ट्रेनिंग में सीखी वो बातें सर ने हमें यहाँ बखूबी सिखा रखी हैं। हमारा NRNM पूरी टीम का दुर्भाग्य रहा है कि सर हमारे बीच से जा रहे हैं, हमें बहुत दुख हो रहा है इस बात का। मैं बहुत सर की उज्जवल भविष्य के आगे की कामना करती हूँ। इसी के साथ मैं थोड़ा सा, सर ने बहुत अच्छा काम किया है हम लोगों के लिए, तो सर को हम लोग अपनी तरफ से जरा सी सादा तालियों से सादा स्वागत करना। जैसे कि आप जी है जो समाजी के साथ जा रहे हैं, इसलिए आनंद महीनों से मैं भी साथ रहा हूँ, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे उनसे कि हमारा जिला प्रशासन को काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ करते हैं। विशेषकर एक बात कह रहा हूँ कि जो अलग हमने इनकी आजीविका को लेकर जगाई है वो अलग बंद नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रुकना राही का काम नहीं चलो अभी विश्राम, रुकना राही का काम नहीं चलो अभी विश्राम नहीं, मंजिल अब है खड़ी पुकार रही चाहे भले वो दूर से। गिरने और संभलने का जीवन है, पग पग चलने का गिरने और संभलने। जो भाग गया रणभूमि से, जो भाग गया रणभूमि से अर्जुन फिर उसका नाम नहीं चलो अभी विश्राम नहीं। यह आप लोगों के लिए है, जब तक आप अपने मंतव्य अपने मंजिल तक नहीं पहुँचेंगे आपने रुकना नहीं है। और रह गई बात दूसरी कि मेरे, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तन से मैं जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन मेरा सबके पास है, जब कभी कोई समस्या हो आप मुझे फ़ोन कीजिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा जो मेरे पास। हो चुकी है, सभी लोग जा रहे हैं। आप धक्का क्यों दे रहे हो पीछे से? चलो रे, चलो 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 चलो, क्या हो रहा है? ये बारिश भी लग चुकी है, सर की विदाई हो चुकी है, सब लोग जा रहे हैं। ये बारिश आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड।